दोस्तों, आज के वीलॉग का उन्वान है उलमा और फाजिल इमामों से शिकायत। हम मुशायरा हो, कोई इवेंट हो, सियासी या समाजी प्रोग्राम करना हो तो 3-4 महीने से कोशिश करना पड़ती है, लोगों को ईमेल करना पड़ता है, व्हाट्सएप करना पड़ता है, गुजारिशात करनी पड़ती है, फेसबुक और दूसरे ऐप पर ऐलानात करने पड़ते हैं, इसके अलावा पोस्टर्स और ब्रोशर्स अलग से तकसीम करने पड़ते हैं, साथ में ये भी लिखना पड़ता है कि नाश्ता पानी का, नाश्ते पानी का या महफिल के बाद डिनर का इंतज़ाम है। इसके बाद बड़ी मुश्किल से लोग जमा होते हैं, आते हैं। इसमें भी बहुत सारे इस नीयत से आते हैं कि किसी तरह वबाल कटे, नाश्ता या खाने पीने का मामला हो, शुरू हो, वो खा पी कर फुचक्कर हो जाएं। दूसरी तरफ हर जुमा 100 से 1000 लोग जुमे की नमाज को आते हैं, इमाम साहब के नाज नखरे उठाते हैं, सहते हैं, इनके घिसे पिटे खुतबे सुनते हैं और नमाज ख़त्म होने तक इनके बंधक बने रहते हैं, नमाज पढ़कर ही जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये कि सब लोग नहा धोकर खुशी खुशू जो है मस्जिद को आते हैं, पूरे एहतमाम के साथ आते हैं। और ये हर हफ्ता इज्तिमा होता है, बड़ी तादाद में लोग आते हैं और हर जुमा ये इज्तिमा लाखों की तादाद में होते हैं, यानी मुल्क के तूल अर्ज़ में लाखों तादाद में जुमे के खुतबे होते हैं, जुमे की नमाज़ पढ़ाई जाती है। खुदा मगफिरत करे उमर बिन अब्दुलअज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की, आपने बड़ी मुश्किल, बड़ी उम्मीद और याद से सूरह नहल की आयत 90 को खुतबे में शामिल किया था। वो आयत ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अल्लाहा यामुरु बिल अदली वल एहसान व ईताए ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़ुहशाई वल मुनकर वल बगी यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इसके माने ये हैं कि बेशक अल्लाह ताला अदल और एहसान और रिश्तेदारों को देने का हुक्म फरमाता है और बेहयाई और हर बुरी बात और ज़ुल्म से मना फरमाता है, वो तुम्हें नसीहत फरमाता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। जुमे के खुतबे में ये शामिल करवाई थी कि मुसलमान इस आयत का माने और अहमियत को जानें और अल्लाह के हुक्म पर अमल करें। अल्लाह का हुक्म, यह आयत अल्लाह का हुक्म है, यह आयत खाली आयत नहीं है बल्कि यह हुक्म है अल्लाह ताला का, क्योंकि यह अल्लाह ताला का फरमान है मुसलमानों के लिए कि इस पर अमल करें। अगर मुसलमानों तक इस आयत का मफहूम और मतलब समझा देते और उनको इसमें अल्लाह ताला ने इसमें जो 3 काम करने और 3 काम नहीं करने का हुक्म दिया है, अगर इन्हें लोगों को समझा देते और इन तक ये पहुंचा देते और उनको बता देते कि अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो वो काफिर हो जाते हैं, यानी ये अल्लाह का हुक्म है, उसकी नाफरमानी हो जाती है अगर वो नहीं करते हैं और इस वजह से वो काफिर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है और ये मुसलमानों को समझाना चाहिए था कि अल्लाह ताला का हुक्म है, इसमें 3 काम जो है करने के हैं वो ये हैं। अदल करें, अदल क्या है, अदल को समझाया जाए कि अदल सिर्फ अदालतों का काम नहीं है बल्कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में अदल करना है। अदल किससे करना है, अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने कपड़ों के साथ, अपनी गाड़ी के साथ, अपने घर के साथ, हर चीज़ के साथ अमल अदल करना है। माँ बाप का अदल क्या है, उनके हुकूक़ दिए जाएँ और अहसन तरीके से दिए जाएँ। बीवी बच्चों का अदल के साथ अदल क्या है, उनके हुकूक़ दिए जाएँ और अच्छे तरीके से दिए जाएँ। इसके अलावा घर का अदल क्या है कि घर को साफ सुथरा रखा जाए, घर को जो है मरम्मत करके अच्छी तरह से करके मजबूत बनाया जाए, घर की सफाई की जाए, घर को रंग किया जाए, ये घर का अदल है। इसी तरह से दूसरी चीज़ों का भी अदल आता है, गाड़ी का अदल क्या है कि उसे साफ सुथरा रखा जाए, उसके पेपर्स बना के रखे जाएं। इसी तरह से जो आपके कपड़ों का अदल है, कपड़े का अदल क्या है कि आप इसको साफ धोकर, इसको इस्त्री करके, इसको आयरन करके,
इस पे खुशबू लगाकर पहने, ये अदल है आपके जिंदगी में करने का, ये हर आदमी को करना है। इसके अलावा जो दूसरा काम है वो एहसान है। एहसान के माने ये हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं जिंदगी में इस तरह से करें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं या अल्लाह को देख रहा है। यानी अगर आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आपका अगर बॉस आ जाता है, आपका मैनेजर आता है, तो आप जिस इनमाक से, जिस दिलजोई से, जिस ऑनेस्टी के साथ काम करना शुरू करते हैं, किस लिए करते हैं? कि आपको ये होता है कि आपका मैनेजर आपको देखना लेके आप नहीं काम कर रहे हैं, आप खाली बैठे हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम करें और उसको बताएं, उसकी नज़र में आए कि आप जो काम कर रहे हो वो अहसन तरीके से कर रहे हैं, एक्सेलेंट तरीके से कर रहे हैं। यही काम अल्लाह ताला कहता है कि जिंदगी भर आप अपनी जिंदगी में करें, और आपको हर जगह पे, चाहे आप अकेले रहो, चाहे आप पब्लिक में रहो या कहीं रहो, आपको ये एहसास रहे कि अल्लाह आपको देख रहा है, इसलिए आप काम अहसन तरीके से करें, खूबसूरत तरीके से करें, अहसन एक्सेलेंट तरीके से करें। यानी हर काम मुसलमान का एक्सेलेंट होना चाहिए, हर काम मुसलमान का एक्सेलेंट होना चाहिए। आप स्कूल में अगर केजी से लेके आप हायर क्लास तक भी पढ़ते हैं तो आपके मार्क्स 100% आने चाहिए, कितने 100% आने चाहिए, क्योंकि मुसलमान को एक्सेलेंट आना जरूरी है। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं पता है? अल्लाह ताला कहते हैं युहिब्बुल मोहसिनीन, जो एहसान करता है वो मोहसिन है, और जो मोहसिन को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ताला मोहसिनीन को पसंद फरमाता है। इसलिए हर काम एक्सेलेंट करना चाहिए। बीवी अगर खाना पकाए तो एक्सेलेंट पकाए, बीवी अगर घर को सफाई करे तो सफा साफ करे, बच्चे भी माँ बाप के साथ मिलकर घर की सफाई करें कि घर आपका एक्सेलेंट रहे, लोग आके देखें तो तारीफ करें। तो ये सब फर्ज है, जिम्मेदारियां हैं। शौहर अपना काम करे, ऑफिस को जाए तो एक्सेलेंट तरीके से जाए, काम करे तो एक्सेलेंट तरीके से करें, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ अगर व्यवहार करे या उनके साथ सलूक करे तो अहसन करे, अच्छी तरीके से करे। ये अल्लाह ताला का हुक्म है, हमको करना चाहिए अपनी जिंदगियों में। हम नहीं करते, ये हमारी इन्हें बदकिस्मती है कि हम नहीं करते, हमको करना चाहिए, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और फिर अल्लाह ताला आपको जो है पसंद फरमाता है, कहता है कि युहिब्बुल मोहसिनीन, मैं एक्सेलेंट काम करने वालों को पसंद फरमाता हूँ, जो लोग एक्सेलेंट काम करते हैं उनको मैं पसंद करता हूँ। अल्लाह ताला की रजा चाहते हो, अल्लाह ताला का यानी खुशनुदी चाहते हो, अल्लाह ताला अगर आपको पसंद करे ये आप चाहते हैं, तो आप हर काम एक्सेलेंट करें अपनी ज़िंदगी में। तीसरी चीज़ कहते हैं अल्लाह ताला के हुक्म देते हैं कि फैमिली फर्स्ट। फैमिली के माने हमारे पास लोग बहुत बहस करते हैं, यानी मेरा मानना यह है कि फैमिली खुरबा के माने वो लोग जो आपके करीब हैं। आप तो कहीं जाके अमेरिका में तो नहीं कर सकते ना, जो आपके करीब लोग हैं, जो आपके पास बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, अजीज रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब है, पड़ोसी है, आपका ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, आपके दुकान पे काम करने वाले लोग हैं, आपके साथ यानी दोस्त अहबाब हैं, इन सब के साथ आप हुस्ने सलूक करें, उनके साथ सिले रहमी करें, उनके साथ अच्छे से पेश आए, उनके साथ बेहतरीन यानी आपका अमल उनके साथ बेहतरीन हो। तो दोस्तों, ये तीन काम अल्लाह ताला ने करने के लिए कहे हैं और ये ज़रूरी है, और हम ये नहीं करते हैं इसकी वजह से हम इसको नुकसान उठाते हैं। अल्लाह ताला जो तीन नहीं काम करने कहते हैं उसमें सबसे पहला काम है फोहशा। फोहशा का जो है लोग तर्जुमा करते रहते हैं, लेकिन मेरा तर्जुमा एक है, इंग्लिश में है करप्शन। फोहशा के माने हैं करप्शन, बेहयाई करते हैं लोग। बेहयाई के माने क्या है एक्चुअली, अगर हम इसको उर्दू में कहें तो ये अखलाकी बददियानती है, ये सरफ़ नज़र की कैफियत है जिसको हम फोहशा कहते हैं, और आप इसको इंग्लिश में कहते हैं मोरल करप्शन। तो मोरल करप्शन जो है, मेरी नज़र में मोरल करप्शन इज़ द मदर ऑफ ऑल करप्शंस। मोरल करप्शन ही तमाम करप्शंस की जड़ है। अगर आप अखलाकी तौर पर बददियानत है तो आप रिश्वत लेंगे, आप अखलाकी तौर पर बददियानत है आप लोगों को गाली देंगे, आप अखलाकी तौर पर बददियानत है तो आप लोगों का माल खा जाएंगे। ये क्या है सब? ये
कि सब करप्शन क्या है, करप्शन यहां तक है मेरी नजर में कि अगर कहीं नल बह रहा है आप देखकर गुजर जाएं तो ये सरफे नजर की कैफियत है, ये करप्शन है। आपका काम है कि वो नल बंद करके जाएं और पानी का तहफ्फुज करके जाएं, वरना ये जुल्म है। इसी तरह से अगर कहीं गिलास पड़ा हुआ है, गलत जगह पर रखा हुआ है, उसको उठाकर आप सही जगह रखें। अगर नहीं रख के अगर वैसे ही गुजर जाते हैं देखकर, तो ये आपके अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि भाई आपके अंग्रेजी में कहते हैं, मैं भूल गया सर, वो ये है कि आपके जो है जिस्मानी आज़ा काम नहीं कर रहे, आपके जिस्मानी आज़ा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, आप वो गिलास को देखते हुए गुजर गए तो। इसकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है। अगर आपको अगर वो गिलास अगर जगह पे आप रखें तो वो आप करप्शन नहीं है, अगर वो गिलास वहीं रह गया आप गुजर गए तो ये करप्शन है, जिस्मानी करप्शन है। आप जो सुस्ती काहली करते हैं ये भी जिस्मानी करप्शन है। वैसे तो अल्लाह ताला ने कहा कि भाई आँख का भी करप्शन है, अगर आप किसी और को गलत नज़र से देखते हैं तो ये आँख का करप्शन है। तो आपको अल्लाह ताला ने फोशा से दूर रहने के लिए कहा है, करप्शन से दूर रहने के लिए कहा है, तो ये आपको बताना चाहिए कि भाई ये करप्शन क्या है। अगर आप आज का काम कल पे डालते हैं तो ये करप्शन है, ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप अगर को अगर कोई जैसे एक टेलर है, वो टेलर कहता है कि भाई आप कल आ जाइए मैं वो कपड़े देता हूँ, और आप कल गए टेलर बोले कि भाई आज लाइट नहीं थी, आज मैं खाला का हो गया, आज मेरा मुमानी का हो गया, आप तीन दिन के बाद आ जाइए। फिर वो 3 दिन के बाद गया तो बोला कि भाई लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, मैं वहाँ चला गया था, यहाँ चला गया था, आपके कपड़े मुकम्मिल नहीं हो सके। वो आदमी 2 दफ़ा आकर गया आपके पास, किस लिए? कि आपने वादा किया था कि मैं दूंगा, तो उस आदमी का क्या हुआ, रिसोर्सेस लॉस हुए। उस वो आज आपके पास आया, उसका वक्त ज़ाया हुआ, उसका एनर्जी ज़ाया हुई, उसका जो है उसके जो एहसासात मजरूह हुए, सिर्फ किस लिए? कि आपने करप्शन किया, आपने वादा खिलाफी की। तो ये सब मुसलमान करते रहते हैं आम उसमें, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको अगर 5 दिन के बाद देना है तो कह दो 5 दिन के बाद दूंगा और देना 5 दिन के बाद, ये करप्शन है, इससे बचें। जो दूसरा काम है नहीं करने के लिए वो है बुरे काम ना करो, बुराई से दूर रहो। अगर आप बुराई नहीं करेंगे तो अच्छे काम करेंगे, इसके माने हैं कि बंदा बुराई से दूर रहेगा वो फिर अच्छे काम करेगा, बुरे काम नहीं करेगा। बुराई क्या है एक्चुअली, बुरा किसको कहते हैं? वो काम जो लोग नापसंद करते हैं, जिसको हम मुनकर कहते हैं, वो काम जिनको हम नापसंद करते हैं। कैसे काम? झूठ बोलना, चोरी करना, लोगों के ज़मीनों पर कब्जे करना, यानी खराब माल तोलना, कम तोलना, लोगों को गाली गलौज करना, ये सब काम क्या है? ये सब मुनकर काम है, ये काम बुरे काम है। जर्दा खाना, तंबाकू खाना, शराब पीना, ये सब जो है मुनकर काम है, बुरे काम है, जिसको लोग नापसंद करते हैं। जो लोग नापसंद करते हैं मुनकर काम है, और वो काम आप करते हैं तो अल्लाह ताला आपको नहीं करने के लिए कहा है। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप ये काम ना करें। अब आइए जो आखिरी काम है, जुल्म। जुल्म के माने क्या होता है, मैं एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ। जिस तरह से इसराइल में लोगों के घर तोड़े जाते हैं, लोगों को घर से बेदखल किया जाता है, जैसे उनके घर तोड़ के निकाल दिया जाता है, ये जुल्म है। इसी तरह से लोग यहाँ लोगों पे जो है लोगों को यानी घरों से निकाल देते हैं, लोगों के घरों पे कब्जे कर लेते हैं, लोगों के ज़मीनों पे कब्जे कर लेते हैं, ये जुल्म है, ये कुफ्र है, ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है नहीं करने का, जिसके खिलाफ आप काम करते हैं ये काम नहीं करना है। लोगों पे जुल्म, जुल्म तो छोटे छोटे जुल्म भी है। कई लोग ऐसे हैं जो बीवी पे हाथ उठाते हैं, कई ऐसे लोग अपने बच्चों को मारते हैं, बीवी को मारते हैं, ये सब जुल्म है। इस तरह से हुकूमतें जुल्म करती हैं, लोगों पे जुल्म करती है, उनके हुकूक नहीं देती, वो हक मांगते हैं तो उन पे जुल्म करते हैं, उनको डंडे मारते हैं, उनको जेलों में डालते हैं, ये जुल्म है। ये जुल्म मुसलमान को नहीं करना चाहिए। तो ये आपको समझ आने वाली बात है। तो ये 3 काम करने के और 3 काम नहीं करने के अल्लाह ताला ने इस आयत में हुक्म दिया है। अगर कोई आदमी इस आयत को ही समझ ले, कोई नॉन मुस्लिम इस आयत को समझ ले, तो इस्लाम कबूल कर लेगा, क्योंकि इससे
समाज में, माशरे में, मुल्कों में अमन आएगा, इससे तरक्की होगी, इससे खुशहाली होगी, इसमें लोग जो है खुश रहेंगे सिर्फ एक आयत पे अमल करने से। आज हमारी कम्युनिटी ख़राब क्यों है, परेशान क्यों है, सिर्फ इन्हीं वजह से। और मेरा दावा है ये कि मस्जिद में से 95% लोग या 100% लोग और बाद जगह इमाम साहब को भी इस आयत की अहमियत और इसके मानने और इसके मफहूम का इल्म नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 1000 जुमे पढ़ चुका हूँ और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये जिससे आप इसको मुसलमानों को दर्स व तदरीस कर सकते हैं और ये मुसलमानों के लिए मैसर है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, लाखों लाखों प्लेटफॉर्म्स जिससे मुसलमानों की दर्स व तदरीस की जा सकती है, मगर आज तक इससे हम मुसलमानों की तरबियत से खासिर हैं। अगर हम ये एक आयत को समझा देते 2-3 खुतबों में तो फिर हर जुमे के खुतबे में लोग सुनते इस आयत को तो इनके लिए रिमाइंडर होता, उनको बार बार दिलो दिमाग पर इसका असर होता। इस आयत को आसान जबान में समझाया जाए, इस आयत को आसान जबान में समझाया जाए। कुछ लोग इसको समझाने बैठते हैं तो वो ये हवाले, वो हवाले, ये हदीसें, वो हदीसें इतना कर देते हैं कि वो खारी को समझ में ही नहीं आता। एक आम जबान में, एक आम फहम उसमें बात करें, उनको समझाए, एक आम आदमी की समझ से बाहर हो जाता है ये सब चीज़ें समझने। जब आप इस तरह के पूरे चीज़ें करते हैं, आप उनको आसान लफ्ज़ों में समझा दे, बेटा ये 6-3 चीज़ नहीं करने के, ये 3 चीज़ करने के हैं, ये 3 काम अल्लाह ताला ने करने का कहा, ये 3 काम नहीं करने का कहा, बस ख़त्म। वो आयत पढ़ ले और समझ जाए। आप लग जाते हैं कि भाई ये हवाला, वो हवाला, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, वो बेचारा जो है उसको समझ में नहीं आता। तो एक आम आदमी के लिए आम फहम खुतबा बनाएं और उनको उसको बताएं। उम्मीद है मेरी बात पर गौर करेंगे, उल्मा और स्कॉलर से गुजारिश है कि इस तरफ तवज्जो दें, जुमे के प्लेटफॉर्म को दर्स व तदरीस के लिए इस्तेमाल करें। अगर इस बात में अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरी तस्सीह फरमा दें। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मैं ऐसे ही जो है छोटे तो नहीं बल्कि बड़े हो गए, बल्कि तो मैं कोशिश करूँगा कि जो आप तक अच्छी अच्छी बातें पहुँचा सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।